नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको चिया सीड की अंतिम मार्गदर्शिका के बारे में बताने जा रहे हैं, लाभ, रेसिपी और युक्तियाँ। चिया बीज छोटे होते हैं लेकिन अविश्वसनीय लाभों से भरपूर होते हैं। वे ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। चिया बीज का सेवन हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है, पाचन में सहायता कर सकता है और यहाँ तक कि वजन घटाने में भी आपका मदद कर सकता है। चिया बीज के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक उनकी बहुमुखी प्रतिभा है। क्या आप जानते हैं कि जब पोषण की बात आती है तो एक छोटा सा बीज शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। आज हम चिया सीड के बारे में बात कर रहे हैं, एक छोटा सुपर फूड जो स्वास्थ्य प्रेमियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। चिया बीज फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वे एंटीऑक्सीडेंट का भी एक उत्कृष्ट स्रोत है जो हमारे शरीर में मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, चिया सीड आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन चिया बीजों के बारे में सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक, तरल को अवशोषित करने और जेल जैसी स्थिरता बनाने की उनकी क्षमता है। यह अद्वितीय गुण चिया बीज की एक बहुमुखी घटक बनाता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जा सकता है। आप उन्हें अपनी सुबह के अनाज पर छिड़क सकते हैं, उन्हें स्मूदी में मिलाकर ले सकते हैं, बेकिंग में अंडे के विकल्प के रूप में भी उनका उपयोग किया जा सकता है। अब आप जान जाइए चिया सीड कितना लाभकारी है। भीगे हुए चिया बीजों की जेल जैसी बनावट भी उन्हें एक उत्कृष्ट बाइंडिंग एजेंट बनाती हैं जो स्वस्थ पुडिंग और सॉस बनाने के लिए उपयुक्त है। अपने पाक उपयोग के अलावा चिया बीज को कई लाभों के लिए भी जाना जाता है। वे रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, पाचन सुधार करने और तृप्ति को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं, जिससे वे वजन प्रबंधन योजना के लिए भी एक बढ़िया अतिरिक्त अच्छा स्रोत है। आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो चिया सीड का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे आप अंकुरित सैलेड खाते हैं या अंकुरित अनाज का खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, आप सुबह में मूंगफली भिगोया हुआ खाते हैं तो उसमें चिया सीड जरूर डाल दें और फिर खाएं तो आपको बहुत लाभ देगा। अब जैसे आप खाने में दाल खा रहे हैं तो दाल में भी डाल के खा सकते हैं, आप सब्जियों में डाल सकते हैं, तो इससे भी आपका वजन में ज़रूर कंट्रोल होगा। चिया बीज का उपयोग इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चिया बीज इतना लाभकारी है, शुगर, डायबिटिक जिसको है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से चिया बीज का उपयोग करिए और लाभ प्राप्त करिए। और दोस्तों, आपको पता है मैं चिया बीज के बारे में आपको बता रही हूँ और मैं भी जानती हूँ, आपको मैं बता रही हूँ, अपनी जानकारी को साझा कर रही हूँ। और अध्ययनों से भी ये पता चला है कि चिया बीज कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। तो आप चिया सीड को अपने आहार में कैसे शामिल करते हैं? सबसे पहले एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच चिया बीज मिलाएं और उन्हें लगभग 10 मिनट तक भीगने दें। आप देखेंगे कि बीज पानी को सोख रहे हैं और जेल जैसी स्थिरता बन रही है, वहाँ से संभावनाएँ अनंत हैं। अपने व्यंजनों के साथ रचनात्मक बने और चिया बीजों की छिपी हुई शक्ति का अनुभव करें। आप उनको अपने जो भिगोएंगे आप, तो उसमें आपको जेल टाइप का जो देखेगा अपने व्यंजनों में, जो भी आप खा रहे हैं, खाना, दाल, सब्जी, कुछ भी, चना भुना, मूंगफली हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें आप मिक्स करके उसको मिला करके आप उसको खाएं, आपको बहुत लाभ दोस्तों मिलेगा और आप खुद ही महीने भर में आपको इसका लाभ दिखेगा और आप खुद ताज्जुब में पड़ जाएंगे, आपको सरप्राइज होगा। देखने के लिए ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। चिया बीजों की छिपी हुई शक्ति का आप अनुभव करें और इसके व्यंजनों के साथ रचनात्मक बने
और स्वास्थ्य लाभ ने। देखने के लिए मेरा वीडियो धन्यवाद आपको। यदि आपको चिया बीजों की छिपी हुई शक्ति के बारे में जानने के लिए मेरा वीडियो सहयोग किया तो आप इसका लाभ जरूर लेंगे। इसकी छिपी हुई शक्ति के बारे में जानने में मज़ा आ गया हो तो अधिक स्वस्थ सुझावों और रेसिपी विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, जिससे कि सारे लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।